जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात कई मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकों ने बताया है। कई लोग कहते हैं जिस लोग के अंदर आज आग नहीं लगा ना दिल के अंदर, वो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, अगर आग लगा हो तो लाइक कर देना। तो एक कहानी है एक राजा की जिसका युद्ध हो रहा होता है। पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था, उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे, वह बचने के लिए गुफा में छुप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बंद करने के बाद क्या हुआ, राजा अंदर फंस गया था। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था, वह काफ़ी थक चुका था, भूख प्यास की वजह से बेहोश हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया, वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार के पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा के बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज वापस प्राप्त कर लिया। तो ये थी एक राजा की कहानी जिसने अपने जीवन में एक माँ की बात को याद करके एक अपना लक्ष्य, एक अपना जान को बचाया और अपनी राजा की प्रतिमा प्रतिष्ठा को बचा रखा। तो आप क्या, आप एक इंसान नहीं हैं क्या? आप नहीं कर सकते हैं? आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं तो आज बहुत पढ़ लिए, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, हम महंगी गाड़ी में नहीं घूम पाएंगे, हम महंगा घर नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं होगा? सोचने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात आप लोग अंदर रखें। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। इसलिए हार नहीं तो किसी भी तरह हम हार नहीं मान सकते हैं। हार अगर मान लिए तो हम उसी सफल असफल हो गए।